नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Samsung Galaxy Tab A7 Lite LTE versus Samsung Galaxy Tab S7 FE Wi-Fi का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोनों टैब के डायमेंशन की। दोनों टैब की लेंथ की बात करें तो Tab A7 Lite में 8.37 इंच जबकि Tab S7 FE Wi-Fi में 11.21 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Tab A7 Lite में 4.91 इंच जबकि Tab S7 FE Wi-Fi में 7.28 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो Tab A7 Lite में 0.31 इंच जबकि Tab S7 FE Wi-Fi में 0.25 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Tab A7 Lite में 371 ग्राम्स जबकि Tab S7 FE Wi-Fi में 610 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है, जो कि Tab A7 Lite से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों टैब में सेम ही TFT की डिस्प्ले मिलती है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Tab A7 Lite में 8.7 इंचेस जबकि Tab S7 FE Wi-Fi में 12.4 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Tab A7 Lite में 800x1340 और Tab S7 FE Wi-Fi में 1600x2560 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Tab A7 Lite में 81.3% जबकि Tab S7 FE Wi-Fi में 84.91% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Tab A7 Lite में 179 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Tab S7 FE Wi-Fi में 243 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब बात करते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स की जो कि टैब का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Tab A7 Lite में एक कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है और Tab S7 FE Wi-Fi की बात करें तो इसमें भी हमें एक कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों टैब में 3 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Tab A7 Lite में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि 2 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और Tab S7 FE Wi-Fi में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो टैब में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Tab A7 Lite में Powerwall GE8320 जबकि Tab S7 FE Wi-Fi में Adreno 642L मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Tab A7 Lite में MediaTek Helio P22T और Tab S7 FE Wi-Fi में Qualcomm Snapdragon 778G मिलता है। बात करें RAM की तो Tab A7 Lite में 3GB जबकि Tab S7 FE Wi-Fi में 4GB RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं वो Tab A7 Lite में 32GB जबकि Tab S7 FE Wi-Fi में 64GB स्टोरेज मिलती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी दोनों टैब में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों टैब में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी Tab A7 Lite में 5100mAh जबकि Tab S7 FE Wi-Fi में 10090mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Tab A7 Lite में 2 कलर्स जबकि Tab S7 FE Wi-Fi में 4 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Tab A7 Lite 3GB RAM 32GB स्टोरेज के साथ ₹11,972 में मिल जाता है और बात करें Tab S7 FE Wi-Fi की तो वो 4GB RAM 64GB स्टोरेज के साथ ₹36,499 में मिलता है। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो Samsung Galaxy Tab A7 Lite LTE में 3 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है जबकि बात करें Samsung Galaxy Tab S7 FE Wi-Fi की तो उसमें 3 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों टैब सेम ही है
मेन कैमरा में दोनों टैब सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों टैब सेम ही है, परफॉर्मेंस में दोनों टैब सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे टैब को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर टैब की बात करें तो उसमें लेनोवो टैब M10 FHD Plus है, दूसरा Acer 110T4 है, तीसरा Acer 184 है और लास्ट कॉम्पिटिटर टैब की बात करें तो उसमें लेनोवो टैब K10 Elite है। और ये सारे टैब की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।